छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि आज 18 मार्च था और आपकी कापी भी चेक हो रही हैं, तो थोड़ी नींद कम आ रही थी, आज कापियाँ चेक करना था। अच्छा लिखा आप लोगों ने। और आज एक टॉपिक था मेरे पास, बहस भी हो गई, कई टीचर साथ में थे। तो पीपल को 92 में छात्रों मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो उस समय तक मैं पीपल को यही जानता रहा कि पीपल हमारा 15-16 घंटे तक ऑक्सीजन दे देता है, और वट वृक्ष भी देता है और पाकड़ भी देता है। और दूसरी चीज़ इधर जो हम लोगों ने अपना अभी जो 5-7 साल से मैंने आपको टॉपिक लक्स एंड आरएचए दिया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, तो लक्स एक तरह से प्रकाश की तीव्रता की इकाई है लक्स, और सब लोग जानते हैं। और सन का लक्स जो होता है, आप मई का महीना आ गया है तो एक प्रैक्टिकल भी कर लीजिए, आप देखेंगे मोबाइल में लक्स मीटर ऐप डाउनलोड करके आप मेजर करें तो आप देखेंगे 150,000 ऐसे ऐसे की लक्स बनी है। और इस पर कई वीडियो मैंने डाले भी हैं लक्स एंड आरएचए में, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको और भी फंडा क्लियर होगा। और साथ ही इस प्रैक्टिकल को जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ऑक्सीजन तो खैर कोई गूगल कहता है 24 घंटे देता है, और कोई पहले आज से 8 साल पहले आदमी कहता था, लेकिन अब कैंप थ्योरी नाम से कोई कैंप थ्योरी है, उस थ्योरी के आधार पे ये कहा जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन मुझे तो पीपल वृक्ष और बट वृक्ष इसलिए पसंद है कि गौतम बुद्ध जी भी इस वृक्ष के नीचे बैठ के अपना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और इसका एक रीज़न अगर आप देखें तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको मानसिक तनाव है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप पीपल के नीचे जाके एक घंटा बैठ लीजिए, या पीपल को अखबार में पकड़ के अपनी समस्या कह लीजिए। ये मतलब आप सुने होंगे, मैं ये लोकल बातें कर रहा हूँ जो कि हम लोगों ने पंडित जी लोगों से सुनी हुई। बेसिकली देखिए छात्रों, होता क्या है कि आप पीपल के नीचे जब आप जाते हैं तो पीपल वट और आपका पकड़, जो मैंने कहा ऑक्सीजन की बात मैं नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन तो मैं जान रहा हूँ कि ये 16 घंटे तो निश्चित है, श्योर है। 24 मान लीजिए, मेरे पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि मैं मेजर कर लूँ, लेकिन यहाँ पीपल को मैं यही कहूँगा कि ये ऑक्सीजन ही नहीं, साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छी छाया, जिसे आप कहें शेड, छाया जिसे आप मड़ई में आप लेते हैं और घरों में लेते हैं। और उसी तरह से पहले के ज़माने में पीपल नहीं था, सॉरी पीपल था लेकिन उतनी नॉलेज नहीं थी हमारे पास, तो बोधिसत्व भी इसको नाम दिया गया है इसका, बोधिसत्व आप इसे पीपल को बुद्ध जी के नाम से ही कहा गया है। और इस पे भूत वगैरह की बात तो मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आप मई में 2 घंटे आप इसके नीचे जाइए, बैठिए, पॉजिटिव अपने बारे में, अपने विकास के बारे में, उद्यमता का विकास आप पढ़ते ही हैं, पर्यावरण आप पढ़ते ही हैं, ग्रामीण विकास आप पढ़ते ही हैं, तो समान आधारित विषय में, तो आप ग्रामीण विकास में आप पीपल के वृक्ष लगाएं और इनको, इनसे एकदम दोस्ती रखें, क्योंकि ये प्राण जो वायु जिसे आप कह लें ऑक्सीजन, तो सबसे अच्छी ऑक्सीजन तो खैर नीम के पेड़ में से मिलती है, लेकिन पत्तियां छोटी रहती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है हमको। पीपल में जो ऑक्सीजन मिलती है थोड़ा कम है, लेकिन बहुत, फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ जो प्लस पॉइंट है वो है लक्स का, इसलिए मैं पीपल एंड लक्स इसको वीडियो को टॉपिक दूंगा अगेन, और या लक्स एंड पीपल, और आप इसमें वट वृक्ष और पाकड़ भी समझें, और आप प्रैक्टिकल छात्रों जरूर करें मई में, और इसमें आप आराम से बैठ के सोचिए, 2-3 दिन में आपको रिजल्ट आपके सामने रहेगा। जो मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान है, न्यूरो से ज़्यादा परेशान है, उनके लिए भी ये सलाह उनको भी दीजिए, उनको भी बैठा 1-2 घंटे बैठाइए। मैं नहीं कह रहा 12 बजे आप दोपहर में बैठिए, 10 से 12 के बीच में या 12 से 4 के बीच में जो है उसके नीचे आप बैठिए, और आपको घर में भी छाया मिल ही रही है,
लेकिन प्रॉपर नहीं है। आप घर में जो आप छाया ले रहे हैं तीन तरफ से बना के दो खिड़की दरवाजे से, तो वो प्रॉपर लक्स आप उसके अंदर मोबाइल अपना मेजर करिए ना। एक बेडरूम में आपको कम से कम 200 लक्स 300 लक्स चाहिए होती है, नहीं तो आँख पे आपके जोर आएगा और लाइट इंटेंसिटी कम रहेगी, तो आँख पे जब जोर आएगा तो घुटने पे जोर आएगा, और घुटने पे जोर आएगा तो बाद में आपको गठिया भी होगा और मोतियाबिंद भी होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो प्रॉपर लाइट हर कमरे की निर्धारित है, हर स्थान की निर्धारित है, तो पेड़ के नीचे भी निर्धारित है कि किस पेड़ के नीचे आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी। और सनलाइट जिसे हम कह रहे हैं, अगर सन मान लीजिए बादल नहीं है तो 365 दिन आपको, और बादल है तो मान लीजिए 200 दिन जो भी है, तो आपको अगर प्रॉपर लाइट लेनी है, प्रॉपर लाइट में बैठना है तो वट वृक्ष बहुत ही बढ़िया है। और इसके नीचे लोग चौपाल भी लगाते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए क्योंकि ये दिमाग को ठंडा कर देता है, क्योंकि प्रॉपर लाइट में आ जाते हैं आप, और जब प्रॉपर लाइट में आप आएंगे तब आप एकदम आपका दिमाग, वो जो न्यूरो आपका है दिमाग में, नस ऊपर ही रहती है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मूंछ सफ़ेद हो जाती है, दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, लेकिन कांख के बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। तो कपड़ा ज़रूर गर्मी में सर पे रखिए और चश्मे का प्रयोग करिए, जिससे कि आपकी आँख भी बचेगी और सर का जो है कपड़ा ही रोक सकता है। प्लास्टिक से कभी सनलाइट की इंटेंसिटी को रोकने का प्रयास मत करिएगा। सब्जी वाले अक्सर देखिए लगा के बैठे रहते हैं प्लास्टिक में धूप में, आप उसके नीचे भी मोबाइल ले जाके चेक करिए अपना, तो आपको लाइट इंटेंसिटी दिखेगी 10,000-20,000 की, तो आप उस समय आपको ये समझ में आ जाएगी बात। तो टोपी चश्मा हमारे लिए है, ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पहले लोग छाता भी यूज करते थे, बड़े बड़े चश्मे यूज करते थे जिससे कि आधा गाल भी ढक जाता था, तो हम लोग थोड़ा हंसते वगैरह भी थे। तो खैर प्रॉपर लाइट का हमें उतना शायद, मुझे तो नहीं था ज्ञान, मैं भी हंसता था, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, एक्सेप्ट कर लेता हूँ वीडियो में, क्योंकि इतना बड़ा मैं ऑलराउंड फर्स्ट क्लास ही हूँ, 80-90% वाला नहीं हूँ, तो उतने में मेरा काम हो जाता है, लेकिन कॉमन सेंस से मैं अपनी बात कह ले जाता हूँ और आप लोग भी ठीक ही उत्तर देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आप छात्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मई में प्रैक्टिकल करिए, और वीडियोस को सुनना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना शेयर करना वाली बात तो मैंने बहुत ज़्यादा दबाव आपको कभी नहीं दिया, 2018 से लेके 2023 हो गया आज तक डेट में, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो है अगर अच्छा लगे तो 1,000 हमको भी पार करा दीजिए, थोड़ा हमारा अगर टॉपिक सही, क्योंकि मेरे टॉपिक पर अभी कोई कमेंट नहीं दे रहा, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल करने के बाद जो है वीडियो में मेरे कमेंट दें, क्योंकि वृक्ष भी आपका जीवित प्राणी है, जैसे आप जीवित हैं वैसे वृक्ष जीवित है, तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो जिंदा है और एक निर्जीव है, तो दोनों भगवान की बनाई, मतलब प्राकृतिक बनाई हुई चीज़ है, मैं नहीं किसी के धर्म पर जाऊंगा, प्राकृतिक बनाई हुई चीज़ है, तो उनका हमें उसी तरह से, चाहे वो कुत्ता हो या हाथी हो, मेरे पास तो मैं कह रहा हूँ 1956 से पैतृक हाथी है, वो पीपल खाती है, और पीपल खाने के लिए या तो मैं काटूँ या अपने महाउस से कटवाऊँ या तो मेरे दादा लोग यही करते रहे होंगे, तो उस हिसाब से तो हम लोग को बहुत पाप लगना चाहिए, और सैकड़ों पीपल लगाए हैं हम लोगों ने, तो उस हिसाब से हमें लाभ भी मिल रहा है। और अगर आप कह रहे हैं काटने से पाप होता है, तो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े पापी हम ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इन सब भ्रम से थोड़ा सा हट के आप इसके लक्स इंटेंसिटी पर थोड़ा जाइए और फिर वहाँ देखिए कि आपको छाया कितनी बढ़िया दे देता है। और गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ को ही क्यों चुना, थोड़ा इस टॉपिक पे आप सोचिए, और उसके बाद पूजा पाठ हमने सामान्य आधारित विषय में आपको सब बता ही दिया है, तुलसी जी और नीम पीपल ये सब सामान्य आधारित विषय के टॉपिक भी हैं आपके, तो इसमें आप पर्यावरण भी पढ़ते हैं, पेड़ लगाइए, ग्रामीण विकास पढ़ते हैं, कुटीर उद्योग बढ़ाइए, और जो है आपका उद्यमता का विकास, अपनी दुकान खोलिए या रोज़गार करिए या फिर प्राइवेट जॉब करना है तो बिल्कुल करिए। और जो भी छात्र हैं मेरे पास हुए मेरे क्लास के, वो पर्सनल मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट तो हूँ ही आपका, टीचर भी हूँ और साथ ही साथ सलाहकार भी हूँ, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं पेट के लिए, वैसे आप जो है मेरे पास आ सकते हैं कि साहब रोज़गार
और व्यवसाय शिक्षा हमने पढ़ा तो हम कहाँ जाएँ। तो मेरे आज पिछले सत्र के लड़के तो सब अपने जॉब पे हैं, मैं इस सत्र के लड़कों को 22-23 के लड़कों को कह रहा हूँ बोर्ड परीक्षा जो दिए हैं हिस्सा उनके लिए। तो ये वीडियो भी मैं उनके लिए बना रहा हूँ और साथ ही साथ उनको मैं इस प्रैक्टिकल को करने को कहूँगा कि आप देख लें। 2-3 साल से बच्चों का वीडियो में प्रैक्टिकल भी है, आप लोग अपना प्रैक्टिकल करिए और हर जगह प्रॉपर लाइट देखिए, गूगल से मांगिए, बताएगा गूगल आपको कि प्रॉपर लाइट कहाँ कितनी होनी चाहिए, बेडरूम में कितना होना चाहिए, बाथरूम में कितना होना चाहिए। आप अगर घर बना रहे हैं तो आप उस घर में आपके हर कमरे की क्लासरूम में आपका कितना होना चाहिए और रीडिंग लक्स, पढ़ने की लक्स, वो तो मैंने आपको डाल भी रखा है वीडियो। ये सब चीज़ें आप देखें, प्रकाश की तीव्रता में कितना रहना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता में अगर आप सही नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको मोतियाबिंद और गठिया होना ही होना है अगर आप प्रॉपर नहीं रहे तो। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, और आज के लिए इतना ही, और कल फिर कॉपी जांचना है तो बिल्कुल वीडियो भी चलता रहेगा, कुछ पढ़ाई भी होती रहे और साथ ही साथ कॉपी भी होती रहे, लाइट की थोड़ी दिक्कत है। थैंक्स।